है रीवा की। प्रदेश सरकार के द्वारा सीएम राइस विद्यालय की शुरुआत की गई है, जिसमें शिक्षकों की भर्ती के लिए सीएम राइस चयन परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें शासकीय पीके कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 21 शिक्षकों ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। सोमवार को विद्यालय के शिक्षक संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संस्थान कार्यालय पहुंचे और संयुक्त संचालक संतोष कुमार त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं शिक्षिकाओं की मांग है कि आयोजित की गई परीक्षा में जो शिक्षकों ने वरीयता प्राप्त की है, उन्हें ही पहले विद्यालय में पदस्थ किया जाए। बताया जाता है कि पीके स्कूल से 16 महिला और 5 पुरुष शिक्षकों ने उक्त परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। वहीं ज्ञापन सौंपने पहुंचे शिक्षकों ने मांग की कि सीएम राइस पात्रता परीक्षा में चयनित शिक्षकों को पहले संस्था में पदस्थ किया जाए और जो शेष पद रिक्त हो उनमें अन्य संस्था से चयनित शिक्षकों की पदस्थापना की जाए। संयुक्त संचालक संतोष कुमार त्रिपाठी ने वरीयता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों को बधाई दी और उनकी मांगों को कमिश्नर तक पहुंचाने की बात कही है। वहीं शिक्षकों ने कहा है कि उनके द्वारा विधायक और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से भी इस संबंध में मांग की गई है कि सीएम राइस विद्यालय में पदस्थापना के लिए आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यालय के शिक्षकों को ही विद्यालय में पदस्थ किया जाए। आइए सुनते हैं शिक्षकों और संयुक्त संचालक का इस मामले में क्या कहना है। किस विषय पे हम लोग गवर्नमेंट की खुश यहाँ पर आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में 275 विद्यालय को सीएम राइस विद्यालय बनाया गया है, जिसमें से अपना पीके विद्यालय भी है। हम लोग को यहाँ पर ज्ञापन देने का एक ही उद्देश्य है कि जब विज्ञापन निकला था सीएम राइस के लिए, तो उसमें एक लाइन दी गई थी कि सीएम राइस स्कूल में यदि किसी को रहना है तो उस स्कूल की परीक्षा को पास करना पड़ेगा, और उस हिसाब से हमारे विद्यालय से 21 लोगों ने सीएम राइस परीक्षा को अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण किया है। ज्ञापन पत्र सौंपा जा रहा है, किसके नाम ये ज्ञापन है? हमने ये ज्ञापन जो है सीएम राइस विद्यालय जो है शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें हम सभी जो शिक्षक हैं वो एक सीएम राइस कंडीशन थी कि जो शिक्षक जहाँ पर उन्हें सीएम राइस परीक्षा उत्तीर्ण करके चयनित होना पड़ेगा, तभी उसी विद्यालय में उनका जो है तो पदांकन किया जाएगा। तो हम पीके स्कूल के सभी शिक्षक साथी और बहनें हमारी जो बहुत जिन लोगों ने परीक्षा दिया था बहुत ही अच्छे अंकों से पास हुई हैं, और हम सबकी ये मांग है कि हम सीएम राइज जो चयनित शिक्षक हैं उनको पहले वरीयता दिया जाए, जहां पर पदस्थ हैं वहीं पर पदस्थ किया जाए और फिर इसके बाद जो शेष रिक्त पद हैं उन्हें पदांकन किया जाए। जिला संयोजक राज कर्मचारी संघ, अपने प्रदेश में बहुत सारी स्कूलों को सीएम राइज के तहत चयनित किया गया है, तो ऐसे विद्यालय जिनमें सीएम राइज जो उसी विद्यालय के जो शिक्षक साथी उत्तीर्ण हुए हैं उनको राज्य सरकार की तरफ से ऐसा हम लोग निवेदन करते हैं और यहाँ हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं आयुक्त लोक शिक्षण महोदय को, हमने संयुक्त संचालक के माध्यम से उसमें ये कहना चाहते हैं कि जो जिस विद्यालय से चयनित हो पहली प्रायोरिटी उनको दिया जाए, उसके बाद पूरे प्रदेश में मेरिट की लिस्ट बनाकर और उनका पदांकन किया जाए। आपका नाम बताएं। डॉक्टर अरविंद भारती। सीएम राइज स्कूल के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया, क्या मांगे रखी गई, किस तरह की चीज़ें सामने? पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहूँगा कि इनका चयन सीएम राइज स्कूल के लिए हुआ। हाँ, और उम्मीद करूंगा कि सीएम राइज स्कूल में क्योंकि इनका चयन हुआ है और जिस स्कूल में ये कार्य कर रहे हैं वही सीएम राइज स्कूल के अंतर्गत है, ये लोग मेहनत से काम करें, मेहनत से पढ़ें। सर, अपने और हमसे जो भी उम्मीद है हम पूरा प्रयास करेंगे।